अस्सलाम वालेकुम, कैप्चर 51 न्यूज के साथ मैं हूं साहिया जमाल और मैं हूं राजा वरीद अफराज। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हम अमन चाहते हैं। अमरीका अफगान जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। अमरीका को अफगानिस्तान से इनखला से कब वहाँ सियासी सेटलमेंट करनी चाहिए। अमरीका अफगान जंग में 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज सिंध असेंबली में बेनजीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटेंगे। वजीर आला सिंध ने बेनजीर भुट्टो की सालगिरह पर वीडियो पैगाम में कहा कि मुहतरमा ने जान का नजराना पेश करके मुल्क में जमहूरियत बहाल कराई। अमरीकी रियासत अलाबामा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ शदीद बारिश हुई। सड़क पर 18 गाड़ियां आपस में टकरा गयी जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक हो गए। सैलाब और तूफान के बाद दर्जनों मकानात भी तबाह हो गए। एक्सपो सेंटर लाहौर में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो गया। सेंटर के बाहर मौजूद शहरी ने बताया कि साइनोवैक्स को बैरून मुल्क सफर के लिए कबूल नहीं किया जा रहा। बैरून मुल्क सफर करने के लिए सिर्फ मतलूबा वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। यूरोपी और खलीजी ममालिक के सफर के मुंतजिर कई अफराद वैक्सीनेशन सेंटर से वापस चले गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अजीजुर रहमान ने तफ्तीश में इंकशाफ किया है कि वो वीडियो मेरी ही है जो तालिब इल्म साबिर शाह ने छुप कर बनाई और मैंने साबिर शाह को पास करने का झांसा देकर हवस का निशाना बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद खौफ और परेशानी का शिकार हो गया था। बेटू ने साबिर शाह को धमकाया मगर साबिर शाह ने मना करने के बावजूद वीडियो वायरल कर दी। दौरे वेस्ट इंडीज के लिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। दौरे पर 14 मैचेस खेले जाएंगे। 26 रुकनी पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम 23 जून को एंटीगा रवाना होगी। खैबर में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाम बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम का बताना है कि हादसे में 3 अफराद जाम बहक हुए जिनकी लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हुजूम। वैक्सीनेशन सेंटर का दरवाजा खुलते ही भगदड़ मच गई जिसके 22 दो अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके लियारी से शहरी को अगवा करके लूटने के मामले में पुलिस अहलकार मुलविस निकले। शहरी के अगवा और उसे लूटने वाले पुलिस अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जहांगीर खान का कहना था कि जब इमरान खान और जावेद मियांदार क्रिकेट खेला करते थे तो मैं मैच देखने ग्राउंड जाया करता था। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान की ईमानदारी पर कोई शक नहीं लेकिन उनकी टीम अच्छी नहीं। पाकिस्तान की खोबरू अदाकारा मनाल खान ने सोशल मीडिया पर अपनी मंगनी की खूबसूरत वीडियो मदाहों के साथ शेयर की जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। मनाल खान की जानिब से शेयर की गई इस मुख्तसर सी वीडियो को ताहाल हजारों इंस्टाग्राम सारिफीन लाइक कर चुके हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैप्चर 51 न्यूज़।